हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखा था। आज भी हम देखो, डायमेंशन लिखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको याद है तभी आप डायमेंशन लिख सकते हो। तो इसलिए डायमेंशन जो है, डायमेंशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसके लिए सबसे टफ काम क्या है कि रिजल्ट याद रखना है ना, क्या है, रिजल्ट याद रखना। और ये याद कैसे होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक ही बार क्या करो ये रिजल्ट पूरा रट जाओ, नहीं। देखो वन बाई वन मैं रिजल्ट क्या कर रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। आप क्या करोगे, इस जितने भी रिजल्ट है उसका क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स दो पेज में आ जाएगा, उसको जब देखते रहोगे हमेशा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको ये रिजल्ट याद हो जाएगा, है ना। और जब रिजल्ट याद हो जाएगा तो फॉर्मूला लिखने के लिए मेरी हेल्प की भी जरूरत नहीं करी। फॉर्मूला लिखने में क्या करना है यार, कि कोई भी फंडामेंटल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में क्या करो, लिख डालो, और फिर फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन वहां लिख दो, वही क्या होगा, डायमेंशन होगा, ठीक है। डायमेंशन हमेशा क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे, स्मॉलर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आज क्या है, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। अब ये कहां पढ़ोगे आप, जब रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां ये टर्म पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जस्ट मास की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर अपने को वहां। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू, सिंपल याद रखना है, डिस्टेंस स्क्वायर। बस डायमेंशन लिखने के लिए मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब डायमेंशन लिखना हो तो देखो आई को हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ आई, आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, कैपिटल एम। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, एम रेस टू जीरो एल टी रेस टू जीरो द होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी रेस टू जीरो। उसके बाद मोमेंटम जो होता है, दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक को बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी होता है। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से, स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चलो मैं स्मॉल एल से डिनोट कर देता हूं, नहीं तो आप फिर या ये भी लिख, चलो रहने दो ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आई इंटू ओमेगा, ओमेगा इसको पढ़ते हैं, ओमेगा इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड, क्या बोलते हैं, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी बाद में हम पढ़ेंगे। तो एंगुलर आई इंटू क्या होगा, ओमेगा। यदि ओमेगा का डायमेंशन मालूम है, अब एंगुलर देखो तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, पहले हम ये आते हैं लिखने के लिए कि एंगुलर वेलोसिटी, यहां लिखता हूं एंगुलर वेलोसिटी, या पहले ये लिख लो आप, है ना, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बिना इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन दूसरे मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, एंगुलर, पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं, तब तो मालूम चल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी पार्टिकल जो होगा कितना एंगल टर्न कर रहा है रेफरेंस लाइन से, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है। तो एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, मैंने बताया था। तो यहां क्या लिखेंगे, डायमेंशन एंगुलर क्या होगा, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट displacement is क्या होगा, dimensionless, ठीक
ठीक है। अब क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है, एंगुलर वेलोसिटी, और इसी को बोल सकते हैं एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो, एंगुलर स्पीड। इसको हम क्या चीज से डिनोट, ओमेगा, ओमेगा ऐसे लिखते हैं। आप बोलोगे सर एक और ओमेगा आपने बताया था, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई मीन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखो ये क्या हुआ, डायमेंशन लेस हुआ, और इसका डायमेंशन क्या होगा, टी माइनस वन। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। तो ओमेगा, तो ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ये तो क्या हुआ, डायमेंशन लेस हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि एम रेस टू आई मीन डायमेंशन ऑफ टी के पावर माइनस वन। तो क्या लिखेंगे, एल रेस टू जीरो टी रेस टू क्या होगा, माइनस वन। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी माइनस वन, और सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो t माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन एक टर्म होता है, ठीक है, क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, अल्फा। तो एंगुलर, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम। अब अल्फा का जब डायमेंशन लिखोगे, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखो अगेन डायमेंशन ऑफ क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, देखो तो टी माइनस क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी। और अब जब अल्फा का डायमेंशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी माइनस क्या हो गया, टू। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। अब हम आते हैं एंगुलर मोमेंटम, जो आप लिख सकते हो अब आसानी से, अब तो खुद से भी लिख सकते हो यार, फॉर्मूला मैं लिखते जाऊं और आप डायमेंशन खुद से लिखो। कुछ डायमेंशन जो है, जैसे मास का, लेंथ का, टाइम का, फोर्स का, वर्क का, पावर का, ये सब डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक और डायमेंशन खुद से भी लिख सकते हो। तो इसके बाद मैंने क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसको मैंने बताया एल से डिनोट करें। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं एल इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू क्या होगा, ओमेगा, क्या होगा, I into omega। अब dimension of L लिखोगे, dimension या ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो L L आप cancel भी, dimension of angular momentum, equal to क्या होगा, कितना होगा बता सकते हो, I into क्या होगा, dimension of, तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आई इंटू डायमेंशन ऑफ ओमेगा। ओमेगा का डायमेंशन अभी मैंने लिखा है, क्या है, टी रेस टू माइनस वन, और आई का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर लिखा था अभी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या हुआ, वन
तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन. दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू ओमेगा. ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा टी के पावर माइनस वन. आई का डायमेंशन क्या होगा एम एल स्क्वायर. तो एम एल स्क्वायर इंटू टी के पावर माइनस वन, आई मीन एम एल स्क्वायर टी माइनस क्या हुआ वन हुआ. ठीक है, इसके बाद एक होता है, देखो दो तरह के इंपल्स होते हैं, दोनों मैं लिख देता हूं यहां. तो इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, दो तरह के इंपल्स यहां मैं लिख देता हूं. इंपल्स दो तरह के इंपल्स हो, एक को क्या बोलते हैं लीनियर. ये सब आगे पढ़ना है, लीनियर इंपल्स ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम एंगुलर, एंगुलर इंपल्स ठीक है. दिस इज क्या होता है, दिस इज क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम. क्या होगा चेंज इन क्या होगा लीनियर मोमेंटम. चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज लीनियर इंपल्स, और चेंज इन क्या होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द एंगुलर इंपल्स. तो देख सकते हो कि क्या होगा लीनियर इंपल्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा मोमेंटम के डायमेंशन के क्या होगा इक्वल होगा. तो यहां लिख सकता हूं मैं लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर डायमेंशन ऐसे लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ लीनियर इंपल्स अब ए मैं बता चुका हूं इज इक्वल टू डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब ये लिख लेना खुद से, ये बता चुका हूं ठीक है. उसी तरह डायमेंशन ऑफ क्या होगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर इंपल्स. देखो वन बाय वन मैं पूरा फॉर्मूला बता दूंगा. डायमेंशन ऑफ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और अभी बताया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन ठीक है. डायमेंशन ऑफ लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम. तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, आई मीन लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन जो होगा वही क्या होगा लीनियर इंपल्स का क्या होगा डायमेंशन होगा. क्या होगा लीनियर इंपल्स का डायमेंशन होगा. उसी तरह एंगुलर इंपल्स क्या होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर इंपल्स का जो डायमेंशन होगा वही क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होगा. क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होगा ठीक है. इसके बाद तो अब हम आते हैं क्या सरफेस टेंशन, क्या लिखेंगे हम सरफेस टेंशन. आई मीन मैंने क्या क्या बताया, देखो प्रेशर का डायमेंशन मैंने आपको बता दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन बता दिया था, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायमेंशन बता दिया था, तो ये सारे डायमेंशन हमने बता दिया था. अब हम आते हैं सरफेस टेंशन भी आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सरफेस टेंशन. क्या होगा सरफेस टेंशन, तो देखो यहां से सभी मैंने बताया ना सभी टर्म हम वन बाई वन लिख देंगे. तो अब आते हैं हम लोग सरफेस, ये सब पढ़ना है आपको. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स अपॉन लेंथ, सिंपल याद रखें. अब आप ही बताना इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स, फोर्स अपॉन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. क्या होगा
फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. ठीक है, तो अब तो इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? जनरली टी और एस से डिनोट करते हैं. तो यहां मैं लिख देता हूं टी, टी और एस. क्या होगा? और एस. तो यहां देखो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, लिखो बताओ क्या होगा? डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या होगा? लेंथ. और डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होता है? बताया था एम एल टी माइनस टू. क्या होगा? एम एल टी माइनस टू. तो हम क्या लिखेंगे यहां? एम एल टी माइनस टू. ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होता है? एल होता है. तो हम क्या लिखेंगे? एल. अब ये एल से एल कैंसिल कर दो तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा? एम आई मीन एल रेस टू जीरो टी माइनस क्या हो जाएगा? तो सरफेस टेंशन जो होगा उसका डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू. ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स, अब देखो विस्कस फोर्स में क्या होगा? जब भी क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूड के अंदर, ये भी क्या होता है? एक फ्रिक्शन फोर्स होता है. तो विस्कस फोर्स क्या होगा? सिंपल मैं लिख देता हूं, इसको हम एफ वी से डिनोट करेंगे. वी स्टैंड फॉर विस्कस. तो क्या होता है? देखो विस्कस फोर्स जो होता है, आई मीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या करना है? लिखना है आपने. वो क्या लिखना है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये लिखना था. देखो विस्कस फोर्स किसी भी, जब भी क्या होगा, सुनो, जब भी क्या होगा कोई भी ऑब्जेक्ट हम जो मीडियम कंसीडर करते हैं, दो तरह के मीडियम कंसीडर करते हैं. एक क्या होता है? रेसिस्टिव फोर्स होता है. क्या होता है? नॉन विस्कस मीडियम बोलते हैं. जैसे देखो अभी आपने अभी तक जित मोशन चैप्टर में क्या पढ़ा होगा कि हम जो भी चीजें कंसीडर कर रहे हैं फ्री स्पेस में कंसीडर करते हैं, एयर के द्वारा जो रेसिस्टेंस फोर्स है उसको हम क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं. तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? नॉन विस्कस मीडियम बोलते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. तो मीडियम दो तरह के होते हैं. क्या होते हैं? एक विस्कस मीडियम होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन विस्कस मीडियम होता है. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में क्या होगा, मूव करेगा, तो उसके मोशन को रिलेटिव मोशन को क्या करता है मीडियम, क्या करता है? अपोज करता है. ठीक है, तो ये मीडियम क्या करेगा, उस पर क्या करेगा? एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसका मोशन जो क्या होगा, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यदि हम एक्सटर्नल कुछ एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. तो दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई द क्या होगा? मीडियम. वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू क्या होगा? विस्कस मीडियम. Then a force will act. This force is called viscous force. This force always act in the opposite to the direction of motion of the object. ठीक है, तो ये force जो होता है दो तरह से हम पढ़ते हैं इसको. एक Stokes law भी होता है, लेकिन अभी हम detail में नहीं जाएंगे. अपने को कभी कभी पूछा जाता है कि coefficient of viscosity का आप क्या करो, dimension बताओ. ठीक है, तो viscous force जो होता है, देखो ये क्या होता है, ईटा, देखो ईटा ए, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसका नाम क्या रखा गया है?
वेलोसिटी, ये टोटल टर्म को ग्रेडियंट, आई मीन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, देखो डेल्टा वी अपॉन क्या होगा, डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एरिया और दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ, हम क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, और दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये तो फोर्स किसी भी टाइप का हो यार, डायमेंशन तो इसका वही होगा। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एक दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है, देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई आर वी टी इंटू इटा, ये भी एक रिजल्ट होता है। अब ये 6 पाई जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये आपको मालूम है, ये क्या होगा, तो दोनों तरह से क्या कर सकते हो, 6 पाई जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, इसका क्या होगा, डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस होगा ये वाला टर्म। तो यहां से भी विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वीटी, वीटी क्या है, वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, तो अब यहां से भी ये क्या है, रेडियस, दिस इज नथिंग बट द रेडियस, ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली आता है। तो यहां से भी आप लिख सकते हो, देखो यहां से दिस इज वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं यहां से या यहां से, कहीं से भी लिख सकते हो, कोई भी एक फॉर्मूला याद रखना, तो यहां से लिख सकते हैं, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको भी ईटा से ही हम डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सिंपल विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आर, आई मीन डायमेंशन ऑफ रेडियस इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी, यही होगा ना। अब तो फोर्स का डायमेंशन लिख दो यार, तो ये क्या होगा, क्या होगा फोर्स का डायमेंशन, क्या होगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय, देखो रेडियस और लेंथ, रेडियस का मतलब क्या होगा, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल, वी टी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या होगा, एम एल माइनस वन, अरे एल इंटू एल, ठीक है, एम एल माइनस वन इंटू टी क्या हो जाएगा, टी माइनस वन, तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हो गया, देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ए डायमेंशन किसका हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और तो आप लिख सकते हो, देखो ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन मालूम है, एल क्या है, लेंथ, एरिया है तो एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, ये क्या है, डिस्टेंस है ना, वाई क्या है, डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, वी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, सिंपल आपको याद रखना है, तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो यहाँ से इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन मालूम ही है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ तुम लोग जानते हो
वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा? सिंपल यहां लिख देता हूं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां देखो, डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ, यही होगा ना, एल होगा ना यार, डायमेंशन ऑफ, क्योंकि ये क्या है? लेंथ है। अब आपसे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सिंपल फ्रीक्वेंसी एक होता है और एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का जो डायमेंशन होगा वो सेम ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी पढ़े हो तुम लोग, है ना, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट करते हैं और न्यू से भी डिनोट करते हैं। ये वेलोसिटी इन न्यू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है? वन अपॉन क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ जो एफ होगा वो क्या होगा? वन अपॉन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ क्या होगा? टाइम। तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी माइनस क्या होगा? वन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डायमेंशन हो गया, है ना। इसके बाद आप लोग से पूछा जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, आप पढ़े हो प्लैंक कांस्टेंट के बारे में, जानते हो कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखो, कैसे लिख सकते हो तुम लोग? देखो ये जरूरी है, फॉर्मूला याद रखना है ना, नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो डायमेंशन अब क्या है? प्लैंक कांस्टेंट लिख सकते हो, तो यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h। ये तो आप पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप पढ़े हो कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे लिखोगे, बता सकते हो तुम फॉर्मूला? मुझे सोच करके बताओ कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना है तो मुझे तो पहले फॉर्मूला चाहिए यार, और फॉर्मूला कहां से लाएंगे? इसको दो तीन तरह से हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशन, आप बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि नहीं कोई कितने फॉर्मूले आपको याद है, क्योंकि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही इसका जनरली यूज है ना, और बहुत जगह यूज है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़े होंगे आप लोग, उससे भी हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एक फॉर्मूला भी है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। तो एक तो लिख सकते हैं ये वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली या बेसिकली द ब्रोवाय पढ़ते हैं इसको, तो लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में यही पढ़ देते हैं, गलत ही पढ़ देते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यही होता है ना, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या होगा? एम वी। तो यहां से हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम वी लैम्डा। वी क्या है? एम वी क्या है? लीनियर मोमेंटम, मास, वेलोसिटी और ए। तो यहां से भी एक डायमेंशन लिख सकते हो तुम इसको यूज करके, ठीक है। तो यहां से डायमेंशन लिख भी देता हूं, चलो डायमेंशन ऑफ एच इज इक्वल टू क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मास। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन इंटू वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल। तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? एम एल टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एक मेथड भी हुआ, दूसरा कोई मेथड है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़े हो तुम लोग, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, पढ़े हो ना तुम लोग। दूसरा मेथड भी है, ये भी लिख सकते हैं कई फॉर्मूला, एम वी आर इक्वल टू क्या होगा? एन एच अपॉन टू पाई। एन क्या है? नंबर है, तो डायमेंशन लेस होगा, टू पाई भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। तो यहां से भी तुम देखो कैलकुलेट करोगे
तो यही आएगा। देखो ये क्या होगा, दिस इज मैंने बताया था 2π 3π, नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। एन क्या है, आपको मालूम है कि एन क्या है, ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो h का डायमेंशन इक्वल टू क्या होगा, देखो डायमेंशन ऑफ h इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम वी आर। यहां से भी आप कैलकुलेट करोगे यही आ गया, कितना आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। आर आपको मालूम है, r क्या है, रेडियस है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर। तीसरा एक और रिजल्ट है, क्या है बता सकते हो, क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन। अब देखो उसको भी हम यूज कर लेंगे, E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू, मालूम है ना तुम लोगों को। तो वहां से भी क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन। लाइट के दो नेचर होते हैं जिसको ड्यूअल नेचर बोलते हैं। तो ड्यूअल नेचर होता है, तो एक होता है पार्टिकल नेचर और क्या होता है, वेव नेचर, है ना। तो पार्टिकल नेचर आई मीन जब भी क्या होगा, कोई भी लाइट जो होगा किसी सरफेस पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा, तो उस पर क्या करता है, वो एनर्जी इम्पार्ट करता है या मोमेंटम इम्पार्ट करता है। तो इसको हम यहाँ पार्टिकल नेचर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे। जो तो क्या होगा, किसी भी एनर्जी के साथ, सॉरी किसी भी फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएट होता है वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट हैज बीन यूज्ड। जो लाइट यूज किया गया है उसके वेवलेंथ पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो उसी को प्लैंक ने बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो तीसरे तरह से हम लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या होगा, h न्यू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h c अपॉन क्या होगा, लैम्डा। यही होगा ना, E क्या है, E इज नथिंग बट द एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, अभी बताया था फ्रीक्वेंसी। तो यहां से भी लिख सकते हो, देखो डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ न्यू आई मीन फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन बताया था मैंने, टी माइनस वन होता है, अभी बताया था। एनर्जी का डायमेंशन कल बताया था इसके पहले क्लास में। एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। और ये कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई मीन टी माइनस वन। तो यहां से भी एच का डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा, देख रहे हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस। तो ये तीनों फार्मूला, कोई एक फार्मूला याद रखना, जस्ट मैंने बताया कि ये तुम पढ़े थे इसलिए बता दिया, नहीं तो हर जगह हम तीन चार फार्मूला नहीं बता सकते। तो ये क्या है, इतने तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम लिख सकते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको मालूम है, जी, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल जी होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, बता सकते हो, देखो क्या है। अब इसके लिए ऑफकोर्स क्या होगा, फोर्स लिखना पड़ेगा, है ना, तभी तो। देखो क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट यदि जिनका मास क्या हो, m1 और m2 हो, और उनको r डिस्टेंस पे रख दिया जाए, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, फोर्स लगता है। और वो फोर्स क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, इसको न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस
M1 and M2 that has been placed at a distance r away is directly proportional to क्या होता है product of both the masses and inversely proportional to क्या होगा square of separation between them. यही होगा ना. यदि इस दोनों से आप लिख सकते हो, दोनों से कंबाइन करके लिखोगे तो आप बोल सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा. हम बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा M1 M2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर. और दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ही हम क्या बोलते हैं G बोलते हैं. G M1 M2 अपॉन क्या होगा R स्क्वायर. अब देखो ये क्या है, फोर्स है. दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज क्या है, डिस्टेंस. आर क्या है, डिस्टेंस. और ये तो आपको मालूम है. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जी का जो डायमेंशन होगा, देखो तो जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2. ठीक है. अब यहां से ये भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ जी जो लिखना होगा यदि मुझे, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा. देखो डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, मास स्क्वायर. लिख दें डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ मास स्क्वायर. यही होगा ना यार. यहां से आप जब वैल्यू रखोगे तो आपको डायमेंशन मालूम चल जाएगा. तो डायमेंशन ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा, एफ का डायमेंशन देखो कितने जगह आ रहा है, एम एल टी माइनस टू. डायमेंशन ऑफ आर का आर डिस्टेंस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा. मास का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ जी जो होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से यहां लिख सकते हैं, एम माइनस वन है ना, एल क्यू टी माइनस क्या हो गया, शायद यही क्या होगा डायमेंशन. देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है मुझसे तो आप देख सकते हो, तो यही क्या होगा. ठीक है, यही क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा. तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है ना, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा जी का वो क्या होगा. अब रटना नहीं है यार ये फॉर्मूला, तुमको मालूम है. मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि आप डायमेंशन रट जाओ. अब मैं बोलूंगा नहीं सब डायमेंशन रट जाओ, डायमेंशन मत रटो, केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो. वो भी बाद में जब पूरा जब फिजिक्स पढ़ जाओगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज हम एक एक जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहे हैं तो ये फोर्स जो होगा आपको 2 to 3 hours आपके सामने मैं लिखते रहूंगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा. क्योंकि जितने बार प्रॉब्लम हम फोर्स से रिलेटेड सॉल्व करेंगे वहां मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे अभी मैंने प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां क्या है, आप आसानी से लिख सकते हो उसको, कई तरह से लिख सकते हो. तो उसी तरह जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे फिजिक्स का, वैसे वैसे क्या होगा, आप डायमेंशन खुद से लिखते जाओ. फिर मैं वहां जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा वहां कि देखो जी का डायमेंशन लिख करके तुम बताओ, और आप बताओगे आसानी से. ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखो, डायमेंशन मत रटो. अब हम आते हैं इसके बाद क्या है, रेसिस्टेंस आप जानते होंगे है ना. करंट का डायमेंशन सब किसी को मालूम है क्या होगा, आई होगा, या ए भी कभी कभी लिख देते हैं. तो डायमेंशन ऑफ करंट क्या होगा, तो देख लो पहले ही लिख देता हूं है ना, कि डायमेंशन डायमेंशन ऑफ करंट. तो देखो तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ करंट जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, आई होगा, या किसी किसी बुक में इसको ए स्टैंड फॉर एम्पियर ऐसे भी लिख देते हैं यार, या इसको चार्ज के टर्म में लिखोगे तो क्यू टी के पावर माइनस वन भी लिख देते हैं, क्यू कहीं कूलम भी आपको दिखेगा. तो ये इस तरह हम क्या करते हैं, सिंपल एक याद रखना, आई ए कोई भी
A stand for ampere, I stand for current, Q stand for charge और T raise to क्या होगा minus one, क्योंकि current equal to क्या होता है charge upon time होता है, तो हम current का dimension ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं dimension of resistance कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, यहां से dimension of रेसिस्टेंस R, अब R हम कैसे लिखेंगे, तो आप शायद 10th क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि जब कोई भी यदि क्या हो, देखो ध्यान से, ये रेजिस्टर का सिंबल तुमको मालूम है, इसके थ्रू करंट I फ्लो हो रहा हो और इसका रेसिस्टेंस R है, तो इसमें पावर कितना जनरेट होता है, क्या होता है, देखो P पावर डिसिपेशन या PD, D स्टैंड फॉर डिसिपेशन, पावर प्रोड्यूस इन रेजिस्टर्स R इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर, क्या होगा R, पावर का डायमेंशन तुमको मालूम है, तो देखो तो यहां क्या लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं PD डिवाइडेड बाय क्या होगा आई स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ यदि मैं R लिखूं तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ पावर, तो यहां क्या लिखेंगे डायमेंशन ऑफ पावर, ऐसे लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द पावर डिसिपेशन, इसको हम क्या बोलते हैं पावर डिसिपेशन इन, ये 10th क्लास में पढ़े हो तुम लोग, है ना। तो पावर हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए जब भी डायमेंशन लिखो तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है आप देखो कि मुझे किसका डायमेंशन आता है उसके टर्म में कोशिश करो उसको लिखने के लिए, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो फास्ट क्या कर सकते हो डायमेंशन लिख सकते हो। तो पावर अपॉन क्या होगा पावर का डायमेंशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा डायमेंशन ऑफ करंट, करंट द होल स्क्वायर, यही होगा ना। यहां सबसे अच्छा स्मॉल आई लिख लो यहां, क्योंकि हमने स्मॉल आई लिखा है, नहीं तो यहां भी क्या होगा स्मॉल आई, तो करंट स्क्वायर। ये देखो पावर का डायमेंशन क्या होगा वर्क अपॉन टाइम, तो पावर का डायमेंशन क्या था एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, यही था, डिवाइडेड बाय क्या होगा आई स्क्वायर, करंट का डायमेंशन क्या होगा करंट का डायमेंशन आई होगा, यही होगा ना। तो यहां से रेसिस्टेंस का डायमेंशन आसानी से क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री क्या होगा आई के पावर माइनस टू, तो हम यहां लिख सकते हैं आई के पावर क्या होगा माइनस टू, ये किसका डायमेंशन हुआ रेसिस्टेंस का, किसका डायमेंशन हुआ रेसिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है, रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, समझ में आया। देखो ये फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर मालूम है R, तो P इक्वल टू हमने आई स्क्वायर R का क्या किया वैल्यू रख दिया, ठीक है, क्या हो गया आई स्क्वायर R, तो यहां R इक्वल टू PD अपॉन क्या होगा आई स्क्वायर, आई मीन पावर ऑफ रेसिस्टेंस, सॉरी डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ पावर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ पावर कल ही बताया था, पावर का डायमेंशन क्या होगा यार P इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन क्या होगा टाइम, ठीक है, और ये क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय क्या होगा डी, तो यहां जब रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों सब कुछ का डायमेंशन क्या होगा सेम होगा, या पोटेंशियल, तो अगले आगे आगे हम क्या पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ क्या है डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ जानते हो ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आई मीन ईएमएफ, और यहां लिख देता हूं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सबका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा सेम होगा, ठीक है। इसमें इसको हम क्या चीज से वी से डिनोट करेंगे,
अब इन ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं क्या होगा, कैपिटल वी, ठीक है। किसी किसी बुक में इसे भी डिनोट किया हुआ है, लेकिन आप केवल ऐसे मिले ही टर्म मिलेगा कि डायमेंशन ऑफ ईएमएफ, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो उस सबका डायमेंशन क्या होगा ये हम कैसे लिखें। अब देखो क्या है, अगेन हम लिख सकते हैं, देखो यहां से एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं कि क्या होगा, ए करंट इरेस्टर है, देखो पावर डिसिपेशन के कई फॉर्मूले होते हैं, आर इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, और मान लो कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, देखो तो ओम्स लॉ, ये क्या है, ये मान लो ए है और ये क्या हुआ, बी हुआ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली तुम जानते हो, चलो हम लिख देते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। अब यहां से लिख सकते हो, देखो या ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, आई और ये क्या है, ये पॉइंट ए है और दूसरा क्या है, बी। करंट ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू क्या होता है, लो पोटेंशियल, तो यहां पोटेंशियल हाई होगा और यहां क्या होगा, लो होगा। तो हम देखो यहां वी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, जो तुम ओम्स लॉ जानते हो। तो ओम्स ने क्या बताया था कि वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू क्या होता है, आर होता है। अरे यही ओम्स ने बताया था ना, v इक्वल टू आई इंटू क्या होगा, आर होगा। तो यहां से भी तुम बता सकते हो, ठीक है, कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ r, डायमेंशन ऑफ r यहां है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m l स्क्वायर t माइनस 3। और देखो यहां i है और यहां भी क्या है, i है, सॉरी स्मॉल i, क्या होगा इंटू क्या होगा, माइनस आई के पावर माइनस टू इंटू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ आई, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला है, दूसरे तरह से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो पावर डिसिपेशन से भी। तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा, वी जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम क्या होगा, एल स्क्वायर टी माइनस 3, और आई के पावर क्या हो जाएगा, आई के पावर माइनस, ये ईएमएफ का डायमेंशन होगा। किसका डायमेंशन हुआ, ईएमएफ का डायमेंशन, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना तुम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सबका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यही होगा, ईएमएफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन, एक तो मेथड ई भी है, दूसरा तुम पढ़े होगे, ठीक है, कि पावर डिसिपेशन इन क्या होता है, पावर डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन आई मीन पीडी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, आर, सॉरी आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर और एक होता है वी इंटू आई। तो यहां से भी निकाल कैलकुलेट कर सकते हो, देखो वहां से वही आएगा, देखो ध्यान से, यहां से भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि वी इक्वल टू क्या होगा, अब डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ पावर, यही लिख सकते हैं ना, अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, करंट। तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब बोलोगे सर आपने, क्योंकि इसकी जरूरत है यार, है ना। अब देखो डायमेंशन ऑफ क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस जो बहुत जरूरी है ना, कैपेसिटेंस कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्यू बेसिकली क्या होगा, चार्ज इक्वल टू सी इंटू क्या होता है, क्यू क्या है चार्ज, सी क्या है कैपेसिटेंस, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, चार्ज, सी क्या है कैपेसिटेंस,
और वी क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब क्यू का डायमेंशन मालूम है यार, क्यू का डायमेंशन क्या लिखोगे, अरे क्यू का डायमेंशन करंट के टर्म में लिखेंगे यार, तो क्या लिखेंगे, क्यू का डायमेंशन आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू का डायमेंशन क्या होगा, करंट इंटू टाइम का डायमेंशन, यही होगा ना। तो देखो यहां से सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू बाई, क्या लिख सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ क्यू का डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई इंटू टी अपॉन वी का डायमेंशन, वही मैंने बताया यार। देखो यहाँ ध्यान से क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइन टी रेस टू माइनस थ्री आई के पावर क्या है, माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा आपको मालूम चल जाएगा। तो देखो यहां से सी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया कहीं हो सकता, तो ये क्या होगा m, ठीक है, m के पावर क्या हो जाएगा, m के पावर माइनस वन, l के पावर माइनस टू, t रेस टू कितना हो जाएगा, फोर, और i रेस टू क्या हो जाएगा, टू, यही क्या होगा डायमेंशन। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, लेकिन यही मुझे डायमेंशन याद नहीं है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल का डायमेंशन यही होगा, क्यू का डायमेंशन क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी और पोटेंशियल का, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल का डायमेंशन अपने को, सॉरी कैपेसिटेंस का डायमेंशन मालूम चाहिए। एक और फार्मूला होगा, इसको भी यूज करके बता सकते हो, एक तो ये रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, एनर्जी सिंपल, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, ऐसे लिख लो, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, मालूम है आपको, यहां से भी लिख सकते हैं, इसको एक और फॉर्मूला से लिखते हैं, क्यू वी बाई क्या होगा, ठीक है। तो यहां से भी देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला होगा, आई मीन वी का जो डायमेंशन होगा, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, क्यू वी है ना, और एक लिखते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन क्या होगा, टू इंटू सी। तो यहां से भी तुम क्या कर सकते हो, देखो यहां से भी लिख सकते हो, क्योंकि टू तो डायमेंशन लेस होगा, तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डायमेंशन ऑफ भी स्क्वायर, और डायमेंशन अभी आपको मालूम ही है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड हो गया है ना, तो इसके बाद हम आते हैं का डायमेंशन, अब देखो क्या लिखेंगे, यही से मैं लिखूंगा परमिटिविटी, याद कर देना परमिटिविटी ऑफ, अब तुमसे कोई पूछे कि टाइम कांस्टेंट, आईआईटी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ R into C. R into C का मतलब क्या हुआ, R क्या है, R क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है, R क्या है, रेसिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस, ऐसे दिया हुआ है, इसका डायमेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देखो या ऐसे मैं, चलो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कि यहां लिखता हूं, देखो ध्यान से,
अब मैंने द क्या होगा द द डायमेंशन ऑफ आर सी आई मीन ऐसे इज ए में देखो एम एल क्या है एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी डी में देखो एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी माइनस वन सी में देखो सी ऑप्शन दिया हुआ है कि एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी माइनस टू एंड डी जो ऑप्शन है उसको डी में नन ऑफ दिस मान ठीक है। अब देखो ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है क्या है आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन आरसी का तुमको डायमेंशन लिखना है आर का डायमेंशन मालूम है और सी का भी डायमेंशन मालूम है आर का डायमेंशन कितना होगा अभी बताया था है ना तो देखो तो यहां से आरसी तो आर का डायमेंशन कितना होगा ये तुमको मालूम है ना कितना होगा देखो डायमेंशन ऑफ आर क्या होगा डायमेंशन ऑफ आर ठीक है इज इक्वल टू क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई के पावर क्या होगा माइनस और डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या है देखो यहां से हमने लिखा है अभी क्या है एम के पावर माइनस वन ठीक है एल के पावर क्या है एल के पावर माइनस टू टी रेस टू क्या है फोर और आई क्या है स्क्वायर ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डायमेंशन ऑफ आर इंटू सी इज इक्वल टू क्या होगा इसको लिखोगे तो एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू वन इसको क्या बोलते हैं आगे जब पढ़ोगे तो इसको कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं बेसिकली ठीक है तो ये डायमेंशन ऑफ आर सी इज इक्वल टू क्या होगा डायमेंशन ऑफ टाइम ठीक है ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन हाँ अब एक टर्म केवल याद रखो इसको क्या बोलते हैं कैपेसिटिव यहां लिख देता हूं आर सी इज कॉल्ड कॉल्ड कैपेसिटिव कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट आई मीन आरसी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा टाइम का डायमेंशन होगा क्या चीज का डायमेंशन होगा टाइम का डायमेंशन होगा आरसी का डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा टाइम का डायमेंशन होगा तो यहां से लिख देता हूं कि डायमेंशन ऑफ आरसी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा टाइम ठीक है ये ध्यान देना ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि देखो इसको रखना पड़ेगा याद नहीं है कहीं यूज होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको इसका सिंबल ऐसे है इसको इप्सिलन जीरो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं इप्सिलन जीरो ई पी एस आई एल ओ एन जीरो ठीक है इसको इसका इसको दो तरह से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं चलो कूलम्स लॉ देख लेते हैं है ना कि कूलम्स लॉ क्या होता है कि जब दो चार्जेज क्या है एक Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पे रखा गया है R डिस्टेंस पे कहां फ्री स्पेस में
तो आपको भी मालूम है कि ये दोनों चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, दो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे, आई मीन एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो कूलम ने क्या बताया था कि इनके बीच जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम फोर्स। एफ सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। यहां से आप डायमेंशन, इसी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, और क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? यहां मैंने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से देख सकते हो कि इसका जो डायमेंशन होगा, अगेन देखो 4 पाई क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखो चार्ज इनटू चार्ज, मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ चार्ज, यही होगा ना। तो यहां से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, देखो एम एल टी माइनस टू इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, एल स्क्वायर, ठीक है, इन डिवाइडेड बाय क्या होगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो एम एम एल क्यूब, ठीक है, टी रेस टू, देखो ये कितना हो जाएगा, टी रेस टू माइनस फोर, और क्या हो जाएगा, आई रेस टू माइनस टू, ठीक है। यही क्या हुआ, इप्सिलन जीरो, आई मीन डायमेंशन ऑफ क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यही डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप यहां लिख लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, सब देखो मोस्टली मैंने पॉइंट कवर कर दिया है, क्या है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप खुद से भी लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन क्या होगा, चार्ज। तो तुम डायमेंशन लिख सकते हो, देखो कितना होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ क्या होगा, चार्ज, और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, आई इंटू टी, यही होगा ना यार, है ना। तो लिख सकते हो, तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम, है ना, एल टी माइनस थ्री आई के पावर क्या हुआ, माइनस, यही किसका डायमेंशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो गया, किसका डायमेंशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरह आप एक टर्म मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरह के होते हैं, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेकिन बता देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स तो तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको ये तुम सिंबल जानते हो फाई, ई स्टैंड फॉर फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, पी एच आई, ठीक है, फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ए याद रखना। तो इसका डायमेंशन तुम खुद से लिख सकते हो, ई का डायमेंशन मालूम है यहाँ, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर, तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसका डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके बाद वाले क्लास में थोड़ा और कुछ पॉइंट है डायमेंशन हम पढ़ लेंगे, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके,
थैंक यू।